सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में फिर से हम करने जा रहे हैं पोकेमॉन द मूवी आई चूज यू की एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट टू है, याद रखिएगा। पार्ट वन लिंक पे कमेंट। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो हम आप लोगों को पता है कि वो क्या हुआ था लास्ट एपिसोड में। तो अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले उस लास्ट अगर हमारे पार्ट वन को देखें जो लिंक उसका कमेंट में है, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सीन को स्टार्ट करते हैं। सीन वही था जहां वो नर्स जॉय के पास थे, पोकेमॉन सेंटर में थे। वो जाए थे एंटो को ढूंढने, फिर वो ऐश भागे होते जंगल में कि उसको मतलब पीछे से एक और लड़की आती थी जो मैंने आपको बताया था वो कैसी दिखती थी, जो उसके बातों पैसे की मॉम की, तो वो उसके पीछे आने लगती है। इसका मुझे अभी नाम भूल चुका हूँ मैं, सॉरी गाइस। मैं एक और बार ही देखूँगा, ज़रा जाके मैं भूल जाता हूँ उसका नाम। तो उसके पीछे आती है, वो कहती है कि मतलब पहले मैं यहाँ आई थी, पहले मैंने सुना था कि ये सब हो गया। तो ऐश कहता है नहीं, फिर ऐश ही लड़ते हुए जाते हैं। फिर ऐश को अब झलक बिल्कुल उसकी साइड में एंटल उसको दिखता है पत्थर पे खड़ा हुआ। फिर वो ऐश वहाँ जाते हैं, फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं। फिर वो अपने पोकेबॉल को, जो लड़की होती है वो अपने पोकेबॉल निकालती है जो होती है पिपलप। फिर वो पिपलप को बाहर भेजती है, फिर वो दो पिपलप के साथ उसको लड़वाती है एंटल के। लेकिन आपको पता है कि एंटल क्या है भाई, एंटल लेजेंडरी है। पिपलप एंटे पे बबल बीम भी करती है वगैरह वगैरह करती है, लेकिन नहीं होता। और फिर एकदम से एंटे आ जाते हैं ऐश के साइड में, और बिल्कुल ऐश और एंटे की आंखें ऐसे एक दूसरे को घूर रहे होते हैं भाई, मस्त सीन होते हैं। वो घूर रहे होते हैं एक दूसरे को, फिर एकदम से एंटे चले जाते हैं। फिर ऐश भी हमला करते हैं अपने थंडरबोल्ट से, लेकिन एंटे दोनों बारी उससे बच जाते, समझ रहे हो। उसके बाद एक लड़का आता है जो सो रहा था, मैंने आपको बताया जिसके साथ रुकवारी होता, वो सो रहा आता है। फिर वो अपनी ऑरा स्फीयर करता है अपने रुकवारियों से एंटे पर, जिससे एंटे को कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी, सीरियसली उसको कुछ भी नहीं होता, एक तिनका भी उसके लगता नहीं है। फिर वो भाग जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, वो चला जाता है अपनी जगह। वो फ्लेम थ्रो करते हैं जिससे बहुत घायल हो जाते हैं हम लोग। फिर वो अपने आप ट्रेनर्स, फिर सौरव कहता है कि तुम जो कुछ एक शेल्टर ढूंढना चाहिए क्योंकि बारिश होने वाली है। फिर सौरव ये कहकर चले जाते हैं। फिर वो लोग उन कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कौन सा भविष्य आने वाला है जो ये इसकी बात बोले, ये बात बोले हम मान जाए। फिर वो कहते हैं चलो आयो तुम्हारे जैसे एंटे भाग गया, वो लड़ने लगते हैं। फिर ऐश कहता है चलो ऐसी बात पर एक बैटल क्यों ना हो जाए। फिर वो लड़की भी कहती है हाँ ज़रूर। फिर वो दिन बैटल करते हैं साथ में, जिसमें आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि बहुत सी जगह ऐसे होते हैं मूवीज में जब भी कोई बैटल होती है ना तो कोई जीतता नहीं है, मतलब टाई हो जाते हैं या फिर कोई बीच में गड़बड़ आ जाती है। तो वही हुआ यहाँ भी, पिपलप की हाइपर बीम ने ऑनिक्स को जाके मार दिया। ऑनिक्स साइड में लेटा हुआ था, मैं किसी को दिखा नहीं, पत्थर होता ही है वैसे भी सबको पता ही है, तो दिखा नहीं, उसने मार दिया और ऑनिक्स हो गया गुस्सा। फिर ऑनिक्स उन दोनों को पकड़ने लगा, फिर वो दोनों ऑनिक्स के ऊपर ही चढ़ गए। फिर वो दोनों, फिर ऐश अपना हीरोपंती में नीचे कूदा, ऑनिक्स के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा रुको ऑनिक्स। और फिर पीछे से वो लड़की अपने पिपलप से वर्ल्ड पुल करवा देती है, जिससे ऑनिक्स रुक जाते हैं क्योंकि एडवांटेज है ना ऑनिक्स, ऑनिक्स को नहीं डिसएडवांटेज होने को बहुत, ऑनिक्स को बहुत ज़्यादा। फिर ऐश समझाते हैं ऑनिक्स को, सॉरी हमने गलत चीज़ कर दिया, ऐसे हो गया था, ऐसी ऐसी करते हैं। फिर ऑनिक्स भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ तुम्हारी, ऐश कहते हैं हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा, समझ रहे। फिर एकदम से बात स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो लड़की कहती है हाँ उस लड़के ने, उस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बारिश होगी। फिर वो दोनों जाहिर होते हैं कोई शेल्टर ढूंढने के रास्ते में, उनको मतलब ऐश की नज़र जाती है बिल्कुल बराबर में से एक चारमंडर पे जो रास्ते में भीग रहा होता है बेचारा। वो चारमंडर रास्ते में भीग रहा होता है, उसकी फ्लेम भी कम होती है। वो लड़की कहती है इसकी फ्लेम कम है, इसकी तबीयत ख़राब है, हमें इसको जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर या फिर कहीं लेकर जाना पड़ेगा शेल्टर में, ताकि ये बारिश में भीगे ना। फिर वो चारमंडर ऐश कहते हैं ये चलिए तुम मेरे साथ आओ, लेकिन चारमंडर आता नहीं है, वहीं बैठा रहता है उस पत्थर के ऊपर वो। फिर चारमंडर देखता है उसका ट्रेन, फिर ना मतलब ऐश के पास आ जाता है चारमंडर थोड़ी देर, फिर उसका ट्रेन आ जाता है जिसका नाम होता है ग्रॉस। और इसके पास एक लाइक एंड रॉक ऐसे सलिन, उनका जो एक पोकेमॉन था जो ऐश के पास भी था, उसके कुछ तीन फॉर्म्स होती थी, उसके पास उनमें से एक था जो खड़ा हो सकता था और रेड कलर का सा था वो थोड़ा, तो कमेंट करके बताना उसका नाम क्या था पूरा और उसकी फॉर्म भी बताना। और वो थोड़ा सा मतलब उसका नाम लाइक एंड रॉक ऐसी, लाइक एंड रॉक ऐसे कुछ नाम था उसका जिसके साथ था। वो कहते थे चारमंडर बहुत कमज़ोर है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर ऐश कहता है ऐसा नहीं कर सकते कि ये तो तुम्हारे मेहनत से कमाए हैं, तुम्हें तुम्हारी मेहनत से पकड़ा इसने। लेकिन वो तब भी बंदा कहता है कि नहीं, और वो चले जाता है मुँह फेर के। फिर वो दोनों
में चारमेंडर को लेके जाती हूँ, क्योंकि चारमेंडर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। फिर वो जा ही रहते हैं केव देखती है, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ उनके वही लड़का मिलता है जिसके साथ रुकारी होता, इसका मतलब सौरा मिलता है। सौरा मिलता है, वो कहते हैं ऐश को कोसता है ऐसे कि जैसे हमेशा हमने देखा हुआ कैंटू में भी ऐश को कोसते हैं नर्स जो है। फिर वो सौरा मिल के कहते हैं ऐश तुमने ऐसा क्यों करा, ये सब तुम पागल हो गया, तुम ट्रेनर ऐसे नहीं बन सकते, तुमने बहुत लापरवाही करी। फिर ऐश वो लड़की कहती नहीं है ऐश का। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि पार्ट टू था इसके, 3-5-6 पार्ट तो आ ही जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।